जा रही हूँ चना का सत्तू भर के लिट्टी। और ये ना कि जो हम सत्तू भर के लिट्टी बनाएंगे इसके लिए हमने प्याज मिर्ची और नींबू ली है। और ये चना का सत्तू है। आपके गांव में आपकी शहर में कहीं ना मिले चना का सत्तू तो आप चना मिलेगी तो चने को आप भूनकर और घर पे ही सत्तू बना सकते हैं। हमने मार्केट से ख़रीद के लाई है चना का सत्तू। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना भर के लिट्टी, जिसके लिए हमने ली है अचार और ये नमक है और ये जमाइन और मंगरेला है। तब ये सब को मिलाकर हम बनाएंगे आज सत्तू भर का लिट्टी। तब चाहें तो अचार डालिए या तो फिर आपके पास अचार नहीं है तो ये नींबू का मतलब काट के मिला सकते हैं खट्टा होने के लिए। सबसे पहले मैं ये प्याज को छील लेती हूँ। प्याज हमने छील ली है और इसे महीन महीन काट लेती हूँ। मैं पानी से धो लेती हूँ ताकि इसका जो गंदा है जो थोड़ा कड़वन जो लगता है वो निकल जाए। प्याज हमने महीन महीन से काट ली है और हमने मिर्च और इसे मैं प्याज में मिला देती हूँ। थोड़ी सी जमाइन मंगरेला डाल देती इसमें। नींबू का रस इसमें हम मिला देती हूँ। अब खट्टा डालेंगे खटाई। आप चाहें इसमें तो अचार भी डाल सकते हैं। आपके घर में अचार है आम का है नींबू का है तो इसमें डालकर मिला सकते हैं। हम नींबू डालिए ये सत्तू है ये सत्तू इसके ऊपर मिला देती हूँ। इसमें प्याज ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम सत्तू और मिलाएंगे। सत्तू और प्याज बराबर होना चाहिए। नमक छिड़क देती हूँ अपनी अंदाजा से ताकि जहर ना हो जाए। इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च के पाउडर डाल देती हूँ ताकि थोड़ा तीता हो जाए। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दी है सब कुछ इसमें मसाले डाल के जो हमने मिर्ची काटी थी वो लाल मिर्ची का पाउडर था हरी मिर्ची था अचार था नींबू था। ऐसे आप भी मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आटा को सान लेती हूँ नमक डाल के। ये गोहूँ का आटा है इसमें थोड़ी सी नमक मिला देती हूँ ताकि लिट्टी बने तो ऊपर का जो बना रहेगा रोटी के जैसा वो उसमें जनाए। इसमें थोड़ी सी जमाइन मंगरेला डाल देती हूँ और इसे सान देती हूँ पानी से मिलाकर। इसे पानी से सान लेना है ज़्यादा में गीला नहीं रखना है। आटा हमने अच्छी तरह से सान लिए ज़्यादा गीला नहीं है थोड़ा कड़ा है आटा बन सके हमारा लिट्टी जो बनेगा सत्तू भर का। सबसे पहले छोटी सी लोई लेती हूँ और इस तरह से कर देना है गोल गुलाब पे ताकि अच्छी तरह से इसका कटोरी बन सके।
तरह से लिट्टी को बना लेना है भर के, और इसके बाद मैं गैस जलाती हूँ छानने के लिए। इसमें तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म हो गई है, अब एक एक करके मैं तेल में डाल देती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से मतलब चला देती हूँ ताकि दोनों दोनों पक जाए। दोनों साइड चलाते रहना है, इसे अच्छी तरह से पक जाए। इसे कम आँच में पकाना है ताकि धीरे धीरे मतलब सीज जाए, और ज़्यादा आँच बनाने के बाद में झुला जाता है, मतलब जल जाता है ज़्यादा आँच लगाने में, इसलिए मैं धीरे धीरे आँच में बनाना है ताकि मतलब अच्छी तरह से खस्ता बन सके लिट्टी। दोनों साइड अच्छी तरह से पक गई हैं, इसे निकाल देती हूँ। देख रहे हैं कि चौड़ी के जैसा बना है, बिल्कुल एकदम खस्ता है, लग रहा है कि मतलब दाल भर का कचौड़ी बना हुआ है, इस तरीका से लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। आप इस वीडियो देख